शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। 80, 220 कहीं पापा जी मेरी विश लिस्ट ना पढ़ ले। 750 अरे वाह। अरे काव्या बेटा, मुझे ना कागज नहीं मिल रहा था तो मैंने तुम्हारे डायरी में से एक पन्ना फाड़ लिया। रामलाल अंकल आ गए, मैं चलती हूँ। ओम प्रकाश शर्मा जी। जी मैं उनकी बेटी हूँ, बोलिए। ये उनका कुरियर आया था। थैंक यू। अच्छा, क्या टाइम बताया था कुरियर का? उसने कहा था कि 10 बजे तक कंफर्म डिलीवरी हो जाएगी। शोमियो को। ओह, मतलब अभी तक पहुंच गया होगा। यस। अब तो टाइटैनिक डूबेगा और काव्या डूब गई काम से। अरे क्या है बेटा? पापा जी, वो आपके लिए पार्सल आया है। खोल के देखो जरा। जी। तो काव्या बेटा, जब तक रामलाल अंकल आते हैं एक पराठा तो खा लो। डायरी का पेज काव्या करण प्रताप बनना चाहती हो? बेटा बताया नहीं क्या कुरियर आया है? हे भोलेनाथ, अब इनको क्या बोलूं मैं? क्या हुआ काव्या? दो कुरियर दो मुझे। थैंक यू भोलेनाथ। लगता रामलाल अंकल आ गए, मैं देख कर आती हूँ। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? आयु, ये एनवेलप पापा जी के हाथ नहीं लगना चाहिए। अरे आयुष्मान, तुम यहाँ? कॉलेज नहीं गए? जा ही रहा था अंकल, पर ये माँ ने आज दही बड़े बनाए थे। आपको और आंटी को पसंद है ना, इसलिए यही देने आया था। अरे दही बड़े लाओ मुझे तो। अब खामखा उन्होंने तकलीफ उठाई हमारे लिए, वैसे हमारी तरफ से मंजरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कह देना, ठीक है? जी अंकल। काव्या चलो, लगता है रामलाल अंकल आ गए। अरे बेटा मेरा कुरियर तो देती जाओ। लाओ। वो जयपुर से कुछ पैम्फलेट्स आए हैं, शायद उसी का कुरियर होगा। खैर तुम कॉलेज जाओ, देर हो रही है ना तुम्हें। जाओ। क्या हुआ काव्या? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा रहा है? क्या है उस एनवेलप में? आयु, मेरी डायरी का पेज था उसमें। जय भोलेनाथ। नमस्ते ओम जी। नमस्ते नमस्ते। आप दुकान के लिए लेट तो नहीं हो रहे? जरा 2 मिनट मिलने आए थे। अरे तुम लोग अभी तक यहीं पे हो? पापा जी वो रूम। हाँ ठीक है। गुप्ता जी चलिए, आप बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए।
मेरा जी, बैठिए बैठिए। सबसे पहले तो ये लीजिए, बेटी की शादी का दिन तय हो गया है। अरे वाह 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 गुप्ता जी, मुबारक हो मुबारक हो। धन्यवाद। और हाँ, शादी में किसी भी किस्म की मदद की जरूरत पड़े बेझिझक हमसे मांग लीजिएगा। अरे आपने इतना कह दिया, बस इतना ही काफी है? ना 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 ना, कहने की बात नहीं, सच में कह रहा हूँ। अरे भाई, आपकी बिटिया की शादी है, हमारे मोहल्ले की बेटी की शादी है, मतलब हमारी बेटी की शादी, इतना तो मेरा फर्ज बनता ही है। वैसे कार्ड देने तो मैं शाम को भी आ सकता था, लेकिन सुबह सुबह आपको तकलीफ थी, वो कारपेट के कोटेशन के बारे में जरा बात करनी थी ना, इसलिए मैं अभी चला आया। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे भाई, आप नहीं आते तो मैं ही आ जाता आपके घर। और देखिए ना, सुबह सुबह फोन पे कोटेशन भी मिल गया। आज या कल वाइफ के साथ आपकी दुकान पे आ जाऊंगा, कुछ पैम्फलेट्स भी देख लेता। कल करे सो आज करे सो अब। ये देखिए सामने, जयपुर से हमारे सप्लायर ने सारे के सारे पैम्फलेट्स भेज दिए, अभी देख सकते हैं हम लोग। जी लीजिए, आप चाय भी आ गई। लाइए आंटी, मैं देता हूं। अरे उसकी जरूरत नहीं है। ये तो पूरा खराब हो गया। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से जयपुर वालों को बोलना पड़ेगा। जो भी हो, वैसे भी अब ये पूरी तरह से खराब हो गया, कोई काम का नहीं रहा। लाइए जी, कूड़ेदान में फेंक दो। एक मिनट काव्या, ये तो पैम्फलेट जैसा नहीं लग रहा है, ये तो किसी डायरी का पेज जैसा लग रहा है। जी काव्या, ये तो हूबहू तुम्हारी डायरी का पेज जैसा लग रहा है। अब जो भी हो, वैसे भी अब ये पूरी तरह से खराब हो गया, कोई काम का नहीं रहा। लाइए लो बेटा, फेंक दे इसे कूड़े में, जा। क्या हुआ काव्या, तुम रो क्यों रही हो? अरे कैसे भी करके हमने अंदर संभाल लिया ना, अंकल को कुछ नहीं पता चला। ऐसा क्या था उस पेपर में? मेरी विश लिस्ट थी आयु, करण सर से शादी करने की विश, करण सर से शादी करने की विश, जो शायद किसी से देखी नहीं गई। तुम हमेशा पूछते हो ना कि वो डायरी मैं अपने बैग में लेकर क्यों घूमती हूँ, क्योंकि उसमें मेरी विश लिस्ट है आयु, मेरी वो सारी इच्छाएं जो मेरे मन और इस डायरी के बीच सीमित है, और जब से करण सर मेरे लाइफ में है, मेरी एक इच्छा पूरी हो गई, बोट को रात में देखने की विश। और जब मुझे करण सर से प्यार हुआ ना, तो उस विश लिस्ट में मैंने एक और विश ऐड कर दी, मुझे काव्या करण प्रताप सिंह बनना है, मुझे काव्या करण प्रताप सिंह बनना है। पर पता नहीं किसके हाथ मेरी वो डायरी लग गई, और उस पेपर का जेरोक्स करके मेरे घर कुरियर कर दिया। किसने किया होगा? काव्या, तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा ये सब? ऐसी शरारत कौन करेगा? We'll be right back.
माफ कर देना बिटिया, आने में थोड़ी देर हो गई है, पहले मंदिर चलना है ना। नहीं, सीधे कॉलेज। जी बिटिया। क्या हुआ काव्या? मुझे काव्या करण प्रताप सिंह बनना है। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।